हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास करें में। तो आप सभी को पता है कि हमने मैथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, वो हमने शुरू कर रखा है और इसको लेकर ऑलरेडी हम काफ़ी सारे लेक्चर पहले से अपलोड हम कर चुके हैं। तो आज हम उस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट, अगर किसी ने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट कि एक बार पहले आप उन क्लासेस को अच्छे से देखिए, क्योंकि क्या कि मैथ में चीज़ें आपस में सारे इंटरलिंक होती है। आज जो आपको मैं करवाऊंगा वो समझ में आपको आ जाएगा, ये इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको इतने अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा कि चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। पर अगर आपने इससे पहले वाली क्लास देखी होगी तो वो चीज़ें समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। जो चीज़ें आप मैं समझाऊंगा उनको आप और ही अच्छे तरीके से आपने समझ पाएंगे। तो इसलिए पिछली वाली क्लास आप एक बार जरूर देखिए, उसके बाद इस क्लास को आप कंटिन्यू कीजिए। नंबर सिस्टम में हम बात करें डिजिट्स की, डिजिट्स के बारे में हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि एक बेस है हमारे पूरे मैथ का। तो इसके बारे में आपको मैं हर क्लास में टेबल याद करवाता हूं कि जब हम एक से लेकर नौ तक हम नंबर लिखते हैं तो कुल कितने डिजिट्स यूज़ करते हैं। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ये टेबल अगर आपको याद है तो जो सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे उन्हें आप कम से कम समय में आप उन्हें अटैम्प्ट कर पाओगे। तो लास्ट क्लास में आपको मैंने करवाया था डिविजिबिलिटी रूल। क्या करवाया था? डिविजिबिलिटी रूल, अगर आपको याद हो तो। उसमें हमने बात की थी एक तो दो से दो की पावर वन, दो की पावर टू, दो की पावर थ्री, ऐसे करते करते दो की पावर एन कि लास्ट जैसे टू, दो की पावर दो चार, दो की पावर तीन आठ। कोई संख्या दो से कब भाग होगी? जब उसके लास्ट के दो डिजिट, लास्ट के यहाँ पर क्या है, लास्ट के वन डिजिट, लास्ट का अगर वन डिजिट दो से भाग होता है तो वो संख्या दो से भाग हो जाएगी। आपको यहाँ पर फोकस करना है पावर कितनी है। यहाँ पर दो की पावर दो है तो लास्ट के दो डिजिट, यहाँ के दो की पावर तीन है तो लास्ट के तीन डिजिट। ये अभी आपको मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ, पर पिछली क्लास में हमने इसको डिटेल में किया था। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, उस क्लास को आप देखिए, फिर इस क्लास में आइए। अगर कोई संख्या है दो की पावर एन तो अगर उसके लास्ट एन नंबर दो की पावर एन से भाग हो जाते हैं तो वो संख्या इससे भाग हो जाएगी, दो की पावर एन से लास्ट एन नंबर भाग होनी चाहिए। तो ऐसे ही हमने बात की थी दो के बाद में पांच की, क्या की थी, पांच की पावर एन, पांच की पावर टू, पांच की पावर थ्री और पांच की पावर एन। इन पांच, यहां पर 25, यहां पर 125, यहां पर लास्ट वन डिजिट, यहां पर लास्ट टू डिजिट, यहां पर लास्ट थ्री डिजिट और यहां पर लास्ट के एन डिजिट पांच एन से भाग होनी चाहिए। तो ये दो चीजें हम पहले कर चुके हैं। अब आप ये बोलोगे सर ये तो हमें आता है, ये चीज़ें तो हमें पता है कि दो से कौन सी संख्या भाग होती है, पाँच से क्या होती है, तो इनका रोल क्या है? तो देखिए रोल इनका समझाता हूँ। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये एसएससी में क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं और जितने भी जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। आपसे एग्जाम में क्या पूछेंगे कि कोई ऐसे क्वेश्चन आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते करते टोटल 129 डिजिट्स है, मतलब ऐसे संख्या जाएगी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करते करते आप टोटल जो 129 आप अंक यूज करेंगे उसके बाद कोई संख्या बनेगी। क्या बनेगी? कोई संख्या बनेगी और नीचे आपको लिखा मिलेगा कि ये संख्या को आपको 16 से डिवाइड करना है, तो बताइए शेष फल क्या होगा। तो बताइए शेष फल क्या होगा। ये पहली बात तो आप खुद सोचिए, अगर आप इतनी बड़ी संख्या लिखने बैठ गए 129 डिजिट्स की, पहले उस संख्या को लिखोगे, ठीक है, फिर उस संख्या को 16 से भाग करोगे और फिर तब जाकर आपका कहीं पर आंसर आएगा, तो इसमें पता नहीं कितना समय लग जाएगा। पर ये चीज़ें आपको मैं पिछले वाले क्लास में समझा चुका हूँ कि कैसे हम नंबर निकालते हैं, एक्चुअल में संख्या कौन सी है वो डिजिट्स की सहायता से हम कैसे निकालते हैं और बाद में 16 से हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो आपको मैं ये एग्जांपल करके दिखाता हूँ, इसके बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर लेंगे, ओके। अब देखिए 129 डिजिट है,
आप इस सीरीज में जाइए, 129, 189 से ज़्यादा है या कम है? कम है या ज़्यादा? आप बोलोगे सर कम है। कम है मतलब कि हमारी जो नंबर होगा ये 99 तक जाएगा, मतलब 99 से ये संख्या कम होगी। कैसे? अभी हम निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि एक से लेकर नो नंबर तक कुल नो नंबर होते हैं और टोटल नो डिजिट्स होते हैं ना। एक से लेकर, जब आप एक से लेकर नो तक आप संख्या लिखते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो नो डिजिट्स होंगे और नो ही नंबर होंगे। अब हमें पता है कि ये इससे ऊपर जाएगी, तो अब हम जाएंगे 10 से लेकर संख्या कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अब देखिए नो डिजिट्स तो पहले यूज़ हो चुके हैं, नो डिजिट्स हम पहले यूज़ कर चुके हैं, तो कुल हमारे पास कितने डिजिट बच गए आप? तो आप बोलोगे 129 में नो हमने माइनस कर दिए, तो हमारे पास 120 डिजिट बच गए। क्या बच गए? 120 डिजिट बच गए। आप मुझे ये बताइए 10 से लेकर जब हम 99 तक जाएंगे तो हर संख्या कितने डिजिट से मिलकर बनी है? तो इसमें क्या है, 10 में 1, 2, 1, 2, मतलब हर एक संख्या में दो डिजिट है। कहने का मतलब कि दो डिजिट्स मिलकर एक संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो डिजिट्स मिलकर एक संख्या बनाते हैं। कुल कितनी डिजिट्स है हमारे पास? 120 डिजिट है। तो दो दो डिजिट्स मिलकर को संख्या बनाई और कुल यूज हुए 120 डिजिट, मतलब कुल संख्या कितनी थी? अब कुछ नहीं, नॉर्मल इससे दो को इससे भाग कर दीजिए, 60। तो 60 हमारे पास क्या थे? नंबर थे। 60 क्या थे? नंबर थे। नो नंबर हम पहले यूज कर चुके हैं नो डिजिट्स लिखने के लिए, तो कुल कितने नंबर हो गए हमारे पास? 60 और 9, 69 नंबर हो गए। 69 नंबर का मतलब क्या हुआ? मतलब कि ये जो काउंटिंग हम लिखते आ रहे थे, तो ये काउंटिंग अब ऐसे चलेगी 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते 67, 68, 69, ये हमारा 69 आया, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करते करते जब आप 69 तक आप पहुंचोगे तो कुल हम 129 डिजिट यूज कर लेंगे। यानी कि आपके पास लास्ट में जो ये संख्या आएगी वो ये आ गई। क्या आ गई? 67, 68, 69। आप इसके पीछे 66, 65, 64 लिख सकते हो, पर हमारा उनसे कोई काम है नहीं है। ये हमारे पास संख्या आ गई, अब हमें भाग करना है 16 से। तो क्या हम 16 से पूरी संख्या को भाग करके देखेंगे? एक तरीका तो हमारे पास ये कि संख्या को हम 16 से भाग कर दें। दूसरा, आपको मैंने क्या समझाया था कि 16 क्या होता है, इसको 2 में पावर में तोड़िए तो क्या होता है, ये 2 की पावर 4 होता है 16। कोई संख्या 16 से भाग कब होगी? जब उस संख्या के लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से भाग होते हैं तो वो संख्या 16 से भाग हो जाएगी। इसीलिए आपको मैंने ये चीज़ें करवाई थी, 2 की पावर n, 2 की पावर n, n की जगह 4 है, तो लास्ट के अगर n डिजिट, मतलब 4 डिजिट 2 की पावर n, मतलब 16 से भाग होते हैं तो वो संख्या 16 से भाग हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लास्ट के 4 डिजिट उठाने हैं, ये रहे आपके सामने 68 और 69, इसको आपको 16 से डिवाइड करके देखना है। चलिए करके देखते हैं, 68 और 69 को 16 से डिवाइड हम करेंगे। 16 कम 16, 16 दो 32, 16 चौके 64, 16 चौके 64, कितने बचे? 8 में से 4 गए, 4 और 8, 16 दिए 48, कितने बच गए? 9, यानी 9 हमारा क्या आ गया? शेष पल आ गया। तो ये एक पूरा सवाल था, अभी आपको मैंने समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा है, अगर आपको पिछले क्लास आप देखते आ रहे हो, आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है, तो आप इस सवाल को बिल्कुल आसानी से 5 से 10 सेकंड में आप निकाल दें। क्या करना है? हमें पता है 129 डिजिट है, मतलब 189 के आसपास है, मतलब हमारी गिनती जो संख्या है वो 99 से ऊपर नहीं जाएगी। तो इस तरीके से हमने कर ऐसे हमने नंबर निकाल लिए, 69 नंबर तक हमारी संख्या जाएगी। तो हमने लिखा 67, 68, 69, तो हमने ये 4 संख्या उठा ली। 16 क्या होता है? 2 की पावर 4 होती है, मतलब कोई संख्या 16 से कब भाग होगी? जब उसके लास्ट के 4 अंक 16 से भाग होंगे। तो हमें इस पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं, साइड में छोड़ दीजिए, हमें लास्ट के 4 अंक से मतलब है। लास्ट के 4 अंक को हमने 16 से भाग किया तो लास्ट में शेषफल बचा 9, तो ये हमारा इसका उत्तर हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारा? इसका आंसर हो गया
एक एग्जांपल आपको मैं और करवाता हूं ताकि ये आपको अच्छे से आने लग जाए। देखिए मैथ, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ प्रैक्टिस मांगता है, बोलते ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको मैथ उतना ही ज्यादा समझ में आने लगेगा। अब हम संख्या चेंज करते हैं, जैसे कि यहां पर आप मान के चलिए कि मैं लिखता हूं कि 299 डिजिट्स तक यह संख्या जाएगी। क्या जाएगी? 99 तक यह संख्या जाएगी। इसको अगर मैं 25 से भाग करूंगा, तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल या रिमाइंडर क्या आएगा वो आपको बताना है, सिंपल सी बात है। 299 डिजिट्स है, 189 से ज्यादा है ना, 189 से ज्यादा है और 2889 से कम है, मतलब हमारी जो काउंटिंग होगी वो 100 से लेकर 999 के बीच में होगी। तो हमें क्या करना है, इससे पहले हमारे पास कितनी डिजिट है? 189 डिजिट है, मतलब कि 1 से लेकर 99 तक हमारे पास 99 नंबर है और कुल मिलाकर 189 डिजिट्स। ओके, अब हमें चलना है 100 से और कहाँ तक हमें जाना है वो हमें निकालना है, पर हमें इतना पता है कि हमारे पास कुल 299 डिजिट्स थे। कुल कितने थे? 299 डिजिट्स थे। अब हमारे पास कितने बच गए? तो सिंपल सी बात है, 299 में से 189 माइनस कर दीजिए, 9 में से 9 गया शून्य, यहाँ पर बचा 9 में से 8 गया 1 और 2 में से 1 गया 110। 110 हमारे पास डिजिट्स बच गए। 100 से लेकर 99 तक, 999 तक जितने भी संख्या लिखेंगे हर संख्या में 3 डिजिट होंगे, मतलब 3 अंक मिलकर एक संख्या बनाएंगे, यानी कि 3 अंक मिलकर एक संख्या बनाएंगे। तो कुल हमारे पास 110 डिजिट है, तो 110 डिजिट से हमारे पास कितनी संख्या बनेगी? तो क्या करना है, मैं 110 को 3 से आप डिवाइड कीजिए, 3 ती है 9, बचे 2, 3 छिके 18, बचे 2, इन 2 डिजिट्स हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए और 36 हमारे पास है नंबर आ गए, मतलब यहाँ पर मैं करता हूँ 36 नंबर, ठीक है। तो 36 नंबर हमारे पास अब आ गए और 99 नंबर हमारे पास पहले थे, तो 9 और 6 15 और 9 और 3 12 और 1 असल 13, कुल हमारे पास 135 तक ये संख्या जाएगी। मतलब हमने जो संख्या लिखने स्टार्ट की थी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते ये 133 134 135 तक है जाएगी। पर एक बात सोचिए, हमारे पास यहाँ पर 2 डिजिट एक्स्ट्रा बचे थे, क्या बचे थे? 2 डिजिट हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए थे। तो अगली संख्या यहाँ पर क्या आएगी? 136 आएगी। क्या आएगी? 136। पर ये तो 3 डिजिट हो गई, 3 हो गए ना, पर हमें कितने लेने हैं? हमें सिर्फ 2 लेने हैं, तो हम इसको माइनस से कर देंगे, तो इसको हटा देंगे। तो ये वो संख्या है जो लास्ट में जाकर जब आप यहाँ तक पहुँचोगे 135 पे फिर 13, उसमें आपको टोटल आपके 299 डिजिट्स आपके यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि हमें क्या करना था, 25 से भाग करना था। अब 25 क्या होती है? 5 की पावर 2 होती है। क्या होती है? 5 की पावर 2, यानी कि अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से भाग होते हैं तो वो संख्या इससे भाग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इससे भाग हो जाएगी। पर देखिए यहाँ पर क्या है, 13 है, क्या है? 13 यहाँ पर बचा है, तो क्या 25 से 13 भाग हो रहा है? नहीं हो रहा ना, मतलब यहाँ पर 13 एक्स्ट्रा बच गए, मतलब लास्ट जो शेषफल होगा वो क्या होगा? 13 होगा। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि इसकी जगह 125 होता, क्या होता? 125, तो 125 क्या होता है? 5 की पावर 3। लास्ट अगर 3 डिजिट है, अगर वो 125 से भाग हो रही है तो वो संख्या 125 से भाग हो जाएगी, तो लास्ट यहाँ पर क्या है? 513 है। क्या है? 513 है। इसको अगर मैं 125 से भाग करता हूँ, इसके बाद में लास्ट में जाकर जो शेषफल बचेगा वही हमारा इसका आंसर होगा। मेरा कहने का मतलब, कहीं पर कोई मिस्टेक हो सकती है, हो जाती है, क्योंकि जब हम बोर्ड के पास होते हैं ना, वो चीज़ें हमें दिखती नहीं है,
हमें अपनी गलती नहीं दिखती, पर जो सामने बैठा होता है उससे वो चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको मैं कंसेप्ट सिखा दूँ कि इस टाइप अगर कोई सवाल आपके एग्ज़ाम में आता है तो उस सवाल को आप कितने कम समय में कितने अच्छे तरीके से आप उसे कर सकते हैं बिना किसी गलती के। तो आपको मैंने दो एग्जाम्पल के द्वारा ये समझा दिया कि इस तरह के सवाल आप कैसे निकालें सकते हैं। इस तरह की टेबल आपको याद एक बार करनी पड़ेगी, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपके खून में चलने लगेगी। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आपको मैं और सिखाता हूँ। देखिए, जो चीज़ें आपको मैं सिखा रहा हूँ ये चीज़ें आपने पहले देखी है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी बुक में क्वेश्चन आता है, हम इसका आंसर देखते हैं और इसका आंसर हम रट लेते हैं, इसका आंसर ऐसे आएगा। पता है एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में कभी भी सेम क्वेश्चन नहीं आता, डाटा चेंज होता है, और जैसे ही अब डाटा चेंज होता है तो आपने जो चीज़ रटी है वो आपके काम नहीं आएगी। मुझे आप ये बताइए कि 10 की पावर 0 क्या होती है, 10 की पावर 0 क्या होती है, मतलब किसी भी संख्या की अगर मैं पावर 0 करता हूँ, ऊपर घात 0 लगाता हूँ तो वो क्या आएगा। आप बोलोगे सर 1 होता है, हम सभी को पता है। 10 की पावर 1 क्या होता है, बोलोगे 10 होता है। 10 की पावर 2 क्या होता है, 100 होता है। 10 की पावर 3 क्या होता है, आप बोलोगे 1000 होता है। 10 की पावर 4 क्या होता है, आप बोलोगे 10000 होता है। क्या होता है, 10000 होता है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो चीज़ मैंने लिखी इसमें आपको कुछ अलग सा नज़र आ रहा है, जैसे कि ऊपर जितनी पावर थी ये क्या है, नंबर है, एक संख्या है, ये टोटल डिजिट्स है, क्या है, डिजिट्स है इस साइड वाले, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। जितनी ऊपर पावर थी उससे एक ज़्यादा यहाँ पर डिजिट्स है। जैसे यहाँ पर शून्य पावर थी तो शून्य प्लस एक, यहाँ पर एक डिजिट है। यहाँ पर एक पावर थी तो 1+1, यहाँ पर दो डिजिट है ना, 1 और 0। यहाँ पर 2 था तो 2+1, यहाँ पर 3 डिजिट्स है। यहाँ पर 3 है तो 3+1, यहाँ पर 4 डिजिट्स है। यहाँ पर 4+1, यहाँ पर 5 डिजिट्स है। मतलब 10 कितनी खूबसूरती है इस एक संख्या की कि इसके ऊपर आप जितनी भी पावर लगाओगे, इसमें आप जितनी भी पावर लगाओगे उसके बाद आगे जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे उसमें सिर्फ आपको पावर में प्लस 1 करना है, वो संख्या निकल जाएगी। कहने का मतलब अगर 10 की पावर n है तो अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना हो तो सिंपल आपको क्या करना है, n+1 करना है। क्या करना है, n+1 करना है। एग्जाम में कैसे आते हैं सवाल आपको मैं लिखकर दिखाता हूँ। जैसे कि 8 की पावर 232 है और 25 की पावर 348 है, 25 की पावर 348 है, तो इसमें ये बताइए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, कुल इसमें कितने डिजिट्स होंगे, ये सवाल आपको करना है। मैंने आपको 10 वाला कंसेप्ट समझा दिया कि कोई भी अगर सवाल होता है तो आपको उसको कोशिश करनी है, उसको कैसे न कैसे तोड़कर आप 10 में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 10 में कन्वर्ट कर दीजिए। अब देखिए 8 होता है, 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है ना, और ऊपर हम 232 लिखते हैं। 25 क्या होता है, 5 की पावर 2 और 348 होता है, होता है या नहीं होता। 25 क्या होता है, 5 की पावर 2 होती है, 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होती है। मैंने मेरी तरफ से कुछ नहीं लिखा, बस जो लिखा था उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, और ये चीज़ें भी आपको मैं पहले यहाँ पर समझा चुका हूँ कि क्या चीज़ें कैसे इनको तोड़ी जाती है। अब अगला स्टेप क्या करना है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कोई संख्या दी है 2 की पावर m, ऊपर 2 की पावर n, तो ये क्या होते हैं, 2 की पावर m(n) हो जाती है। ये एक फार्मूला होता है ना, 1 की पावर m(2), मतलब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई गुणा हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 × 6 और 3 × 3 = 9 और 3 × 6 = 96 हो गए। क्या हो गए, 696 गुणा में, यहाँ पर 5 की इससे आपसे मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो 2 × 6 = 48 × 96, यानी कि 2 की पावर 696 और 5 की पावर 696। एक फॉर्मूला और भी होता है, जैसे a की पावर m है इंटू में b की पावर m है,
तो इस किसके बराबर होगा, तो ये होगा a इंटू बी की पावर m। क्या होगा, a इंटू बी की पावर m। ये आगे हम सर्ट्स और उसमें करेंगे, एक टॉपिक आएगा। पर आपको मैं साथ साथ में समझा रहा हूँ, जैसे ये मेरे को मैंने समझा दिया, ये आपके साथ में ये क्या इंटरलिंक है। तो इन दोनों को मैं जैसे मल्टीप्लाई करूँगा, दो पाँचों दस, तो दस की पावर 696 क्या आ गए, दस की पावर 696 आ गए। और यहाँ पर आपको मैंने क्या लिखवाया था, दस की पावर n, ये दस की पावर n है। तो टोटल हमें निकालने नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, तो 696 + 1 = 697, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सवाल देखने में बहुत ही आसान है, आसान क्यों है, क्यों आपको मैंने कंसेप्ट समझाया है कि दस में इतनी खूबसूरती है कि अगर दस के ऊपर कोई पावर लगी है, अगर उससे हमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना, उसमें कुल कितने अंक आएंगे उस संख्या को लिखने में, तो कुछ नहीं करना, हमें पावर में प्लस वन करना है। ये एक सवाल था, ये एसएससी में पूछते हैं, स्टेट एग्जाम्स में पूछते हैं, चाहे हरियाणा एचएसएससी सीएटी कुछ भी हो। तो हमने क्या किया था, 8 को हमने 2 में कन्वर्ट किया 2 की पावर 3, 25 को हमने 5 की पावर 2 में, ये 696 बन गया। ये 696 2 और 5 10 होते हैं। ये फार्मूला होता है ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी होल की पावर एम। तो ये बन गया 696 10 की पावर एन, आंसर आया 10 की पावर एन, एन प्लस वन, 696 प्लस एक 697। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको कोशिश करनी है इसको कैसे न कैसे उसको तोड़कर आपको 10 बनाना है। क्या करना है, 10 बनाना है। अब आप ये सोचोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या 10 में बनेगी कौन सी नहीं बनेगी, तो वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको ये क्लासें देखनी पड़ेगी। आगे आगे जैसे ही हम चीज़ें करते जाएंगे, तो आपको मैं इनकी पहचान आपको मैं बताता जाऊँगा कि कौन सी संख्या कैसे कन्वर्ट होगी। आगे जाकर हम ये जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, इसको हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है डिजिट्स का। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे हम एक और इसमें एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आएंगे, उसके बाद आपको चीज़ें आपकी सारी क्लियर होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब आपको मैथ बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो आई होप कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक आपको करना ही करना है, शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। और आपको मैं हर क्लास में बताता हूँ कि अगर आपके दोस्त मोहल्ले पड़ोस स्कूल कॉलेज कहीं पर भी कोई ऐसा बच्चा है जो घर बैठकर फ्री में एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन, एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्राप्त करना चाहता है, तो वो हमारा चैनल है एग्ज़ाम पास करे, उस पर आ सकता है, और उसको हर सब्जेक्ट के कंटेंट यहाँ पर मिलेंगे। अलग अलग टीचर्स हैं जो अपना अपना कंटेंट एक बेहतर क्वालिटी का आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे आपकी केमिस्ट्री क्लास चल रही है, इंग्लिश की चल रही है, फिनेंस जीके की भी क्लास चल रही है, ज्योग्राफी की भी चल रही है, और आने वाले समय में बाकी सब्जेक्ट की क्लास भी शुरू हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।